नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन मूवियों के बारे में। सबसे पहली मूवी बॉब विश्वास के बारे में, ओटीटी के बारे में, यह फिल्म के ओटीटी रिव्यू जानेंगे और वहीं बात करेंगे। दूसरी फिल्म अक्षय कुमार सर की फिल्म सूर्यवंशी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि ये बॉक्स ऑफिस पर आज के दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। और वहीं तीसरी मूवी की बात करेंगे, अंतिम द फाइनल ट्रूथ सलमान खान की फिल्म। इस फिल्मों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि बॉब विश्वास मूवी ने कहानी के मामले में इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ा कि नहीं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहे आप पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ की। आप लोगों को बताते चले, अंतिम द फाइनल ट्रूथ जिस तरीके से इस फिल्म का क्रेज था और जिस तरीके से ऑडियंस इस फिल्म को रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार। देखिए, लेकिन कुछ ऑडियंस ने बताया कि कहानी में दम नहीं था और कहानी कुछ ठीक ठाक नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप लोगों को कुछ ऑडियंस ने ठीक ठाक कहानी नहीं बताया और कुछ ऑडियंस ने बहुत ही अच्छी तारीफ करी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ जिस तरीके से इस फिल्म का क्रेज और जिस तरीके से इस फिल्म को ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही लाजवाब। यह फिल्म को 40 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है और इस फिल्म में आप लोगों को जो कि सलमान खान के अपोजिट नजर आएंगे आयुष शर्मा, जो कि एक विलन का किरदार निभा रहे हैं। और इसमें सलमान खान की भी दमदार तरीके की एंट्री दिखाई गई है और बॉडी, और आयुष शर्मा की हाई लेवल की बॉडी दिखाई गई है और बहुत ही जोरदार, और बंदे ने बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करी है अपने फिजिक्स पे। दोस्तों बताते चले कि यह महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को पहले दिन जो कि अच्छी खासी ओपनिंग मिली और जोरदार तरीके से ओपनिंग मिली। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 11 करोड़ 42 लाख का कारोबार किया। दोस्तों वही बात कर लेते हैं, यह फिल्म अपने आज के दिन यानी कि 9वें दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही था। आप लोगों को बताइए चले कि अपने 9वें दिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा रही है और बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से कलेक्शन भी कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है, सलमान खान की फिल्म अपने आज के दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार करेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। दोस्तों वहीं दोस्तों दूसरी मूवी की बात करें तो आप लोगों को बताया चले कि दूसरी मूवी है अक्षय कुमार सर की फिल्म सूर्यवंशी मूवी। इस फिल्म को जो कि हाई लेवल के बजट से बनाया गया है, प्लस सूर्यवंशी मूवी को बहुत ही लंबे समय से पोस्टपोन भी किया जा रहा था। सूर्यवंशी मूवी जो कि एक कॉप्स के ऊपर आधारित फिल्म है, इस फिल्म में आप लोगों को जो कि तीन दिग्गज सुपरस्टार देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और वहीं दोस्तों आप लोगों को सिंघम भैया यानी कि अजय देवगन साहब भी कॉप्स के रूप में नजर आए। यह फिल्म कॉप्स के ऊपर आधारित फिल्म है। सूर्यवंशी मूवी को जो कि रोहित शेट्टी सर ने डायरेक्ट किया है और रोहित शेट्टी सर की हर फिल्में बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार रहती है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलता है रोहित शेट्टी की हर फिल्मों को, और ऑडियंस देखना पसंद भी करती है। दोस्तों वहीं बात करें, इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट कौन नजर आया, तो आप लोगों को बताइए चले कि बहुत ही लंबे समय के बाद अक्षय सर के साथ आप लोगों को अपोजिट में कैटरीना कैफ में नजर आई हैं। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 27 करोड़ रुपया का कारोबार किया और यह फिल्म बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से ओपनिंग ली थी इस फिल्म ने। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 121 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था और बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही जोरदार तरीके से इस फिल्म ने ओपनिंग भी दिखाई थी। दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि आज यह फिल्म अपने अपने आज के दिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन कर रही है और अपने आज के दिन कम से कम ये फिल्म 6 लाख का कारोबार कर रही है। दोस्तों वही बात कर लेते हैं बॉब विश्वास मूवी की, तो आप लोगों को बताइए चले कि बॉब विश्वास मूवी जो कि अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज है, जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को G5 पर रिलीज किया गया है। ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, लेकिन आप लोगों को बताने चले कि बॉब विश्वास मूवी को बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऑडियंस इस फिल्म को देखना पसंद कर रही है और अपने आज के दिन भी यह फिल्म बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से G5 पे ऑक्यूपेंसी दिखा रही है। आप लोगों को बताने चले कि बॉब विश्वास मूवी जो कि दिया अन्नपूर्ण घोष द्वारा डायरेक्ट की गई है और वहीं उनके पिताजी ने यानी कि सुजाय घोष ने इस कहानी को लिखा है। आप लोगों को बताइए चले कि अभिषेक बच्चन की तारीफ अमिताभ बच्चन साहब ने भी करी, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है बॉलीवुड में, बहुत ही लाजवाब। उनकी एक्टिंग बॉब विश्वास में बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही जोरदार है। उनकी एक्टिंग देख के सारे फैंस खुश हो गए और बहुत ही जोरदार तरीके से तारीफ भी करी। तो वहीं बात कर लेते हैं इन तीनों मूवियों में से सबसे कहानी सबसे बेस्ट किस मूवी की, तो आप लोगों को बताइए चले कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ की भी कहानी अपने जगह बहुत ही बेस्ट थी और वहीं सूर्यवंशी मूवी की जो कि एक कॉप
के ऊपर कहानी थी वो भी बहुत ही जोरदार, वो बहुत ही शानदार थी, कैरेक्टर भी बहुत ही जोरदार डाले थे रोहित शेट्टी सर ने। दोस्तों वही बॉब बिस्वास एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, यह फिल्म भी बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार है, इसकी भी कहानी बहुत ही जोरदार है। दोस्तों आप लोगों ने ये तीनों फिल्में देखी है तो सबसे बेस्ट कहानी किस फिल्म की लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने बॉब बिस्वास मूवी देखी है तो आप लोगों को बॉब बिस्वास मूवी कैसी लगी और वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले।